वेलकम टू स्टोनो डिक्टेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में असमानता बढ़ रही है। बच्चों की सीखने की क्षमता और प्रतिभा में अंतर तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का झुकाव संपन्न वर्गों की ओर अधिक है और गरीब उपेक्षित रह जाते हैं। इस स्थिति को हम कैसे बदलें और जो लंबे समय से वंचित रहे हैं उन्हें कैसे अधिक से अधिक अवसर दें। अनौपचारिक शिक्षा पर जो बल दिया गया है और जो यह कहा गया है कि अगर युवाजन तथा अन्य लोग चाहें तो पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा तथा आवश्यक हो तो डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। इस सम्मेलन से पहले कई कुलपतियों ने मुझे लिखा था कि वे क्या कर रहे हैं या उनके विचार से क्या किया जाना चाहिए। मैं उनके पत्रों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। उनमें से कुछ ने अच्छी शुरुआत की है। उदाहरण के लिए डॉक्टर साहब ने विस्तृत टिप्पणी भेजी है कि वह मद्रास में क्या कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि ये कार्यक्रम सफल होंगे। इनमें से अनेक कार्यक्रमों के सुझाव इस उद्देश्य के लिए स्थापित समितियों ने दिए हैं। जब छात्र तथा अन्य लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अमुक या अमुक बात का सुझाव बहुत पहले दिया जा चुका है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा क्यों, तो मुझे नहीं सूझता कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूं। शायद आप सबके पास इन बातों का उत्तर है, मेरे पास नहीं। लेकिन अगर कुछ अच्छे सुझाव हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है तो मैं समझती हूँ कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने में देरी नहीं की जानी चाहिए। हमें नए तरीकों तथा शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो और टेलीविज़न की भूमिका पर भी विचार करना चाहिए। जब हमने टेलीविज़न की शुरुआत की तथा रेडियो का भी विस्तार किया तो विचार यह बिल्कुल नहीं था कि उससे शहर के लोगों को एक प्रकार का मनोरंजन सुलभ होना चाहिए। विचार निश्चय ही यह था कि मनोरंजन तो होना ही चाहिए जो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु साथ ही कुल मिलाकर कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिनसे जनता के सभी वर्गों को सरसता के साथ कुछ सीखने समझने का अवसर मिले। लेकिन हम उस लक्ष्य से दूर चले गए हैं और रेडियो तथा टीवी अलग अलग खानों में काम कर रहे हैं। शिक्षा भी एक अलग खाने में सक्रिय है और स्वास्थ्य भी ऐसी ही स्थिति में है, लेकिन ये सभी चीज़ें परस्पर संबद्ध हैं और हमको यह सीखना होगा इन सब विषयों का शिक्षण एक संपृक्त कार्य है तथा वह जीवन से विच्छिन्न नहीं है। इस मामले में संचार उपग्रह कार्यक्रम विशेष रूप से दिलचस्प है। मुझे आशा है कि उसे जारी रखा जा सकेगा। वह शताब्दियों को जोड़ने वाला सेतु है। वह विज्ञान की कुछ नवीनतम खोजों को हमारे देश के पिछड़ों क्षेत्रों तक
पहुंचा रहा है। महोदय, आधुनिक युग तनाव का युग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर तनावग्रस्त होकर इसका खट्टा मीठा अनुभव करता है। वैज्ञानिकों का विचार है कि शिशु जिस परिवेश में जन्म लेता है, पलकर बड़ा होता है, उसमें रहने और कार्य करने के लिए अभ्यस्त हो जाता है, परंतु उससे भिन्न परिस्थिति में पड़ जाने पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों के निवासी उच्च पर्वतीय स्थानों पर जाकर और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी मैदानी क्षेत्रों में आने पर गर्म स्थानों के रहने वाले निवासी ठंडे स्थानों पर जाने पर ठंडे स्थानों के निवासी गर्म क्षेत्रों में जाने पर वहाँ की परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल पाते हैं। यही नहीं, शुष्क गर्म क्षेत्रों के निवासी आर्द्र गर्म क्षेत्रों में जाने पर और आर्द्र गर्म क्षेत्रों के रहने वाले व्यक्ति शुष्क गर्म क्षेत्रों के जाने पर व्याकुल होते हैं। वस्तुतः किसी भी प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में पड़ जाने पर व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति के अनुकूल बनाने का प्रयास स्वतः करने लगता है। इस कारण उसके शरीर में कुछ अनुक्रियाएं होने लगती हैं। बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से परिवर्तित परिस्थितियों में किसी भी जीवधारी के शरीर में होने वाली इन मनोशारीरिक अनुक्रियाओं को तनाव या स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। किसी भी तनाव का हमारे शरीर और शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो जन्म से मृत्यु तक सदा साथ निभाने वाले ये तनाव हमारे लिए आवश्यक भी हैं। जब हम हल्के तनाव में होते हैं, तब हम अधिक सचेत और जागरूक रहते हैं और तनाव का हमारी कार्यक्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी बिना थके हुए काफ़ी समय तक जमकर पढ़ाई कर लेते हैं। किसी भी खेल स्पर्धा से बहुत पहले से ही खिलाड़ी जी जान लगाकर जीतने की तैयारी करने लगते हैं और सफल भी होते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की तनाव सहन करने की सीमा होती है। यदि तनाव से जूझने के लिए व्यक्ति को अधिक समय तक सचेत रहते हुए अत्यधिक प्रयास करना पड़े अथवा यह निर्णय लेने में कि तनाव जन्य परिस्थितियों का मुकाबला करना है या उसको छोड़कर भाग जाना है, अधिक समय लग जाए और अनिश्चय की स्थिति बनी रहे तथा तनाव को सहने की सीमा पार हो जाए तो उससे जूझने की हमारी शक्ति छीण हो जाती है, तब हम अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तनावग्रस्त होते ही हमारा तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो उठता है और शरीर में कई प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इनके फलस्वरूप मनुष्य उस तनाव से जूझने या उस स्थिति से भाग निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। इन क्रियाओं का नियमन हमारा अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर को परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार करती है। छात्रों की संख्या में लगातार
वृद्धि की समस्या भी है और उच्च शिक्षा को कुछ ही लोगों तक सीमित करने की बात कही जाती है। मुझे कोई संदेह नहीं कि संख्या में कुछ कमी होनी चाहिए, लेकिन यह काम ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिससे कमज़ोर वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके लिए शिक्षा पाने के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ऐसे विशेष कार्यक्रम भी होना चाहिए जिससे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी औरों के स्तर तक आ सके। अगर श्रेष्ठता का यह अर्थ है कि शिक्षा या अन्य अवसर कुछ ही लोगों तक सीमित हों, तो मैं निश्चय ही ऐसी श्रेष्ठता के विरुद्ध हूँ। उसका आशय उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। स्टॉप। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।